हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं कि वो ग्रीन टी लें कि ग्रीन कॉफ़ी लें, बिकॉज मैंने दोनों पे वीडियो बनाए हैं, ग्रीन टी पे भी बनाए हैं, ग्रीन कॉफ़ी पे भी बनाए हैं। बहुत से लोगों को ग्रीन टी से फ़ायदा हो रहा है, बहुत से लोगों को ग्रीन कॉफ़ी से फ़ायदा हो रहा है। तो आज मैं इन्हीं दोनों का वीडियो एक साथ लेके आई हूँ कि क्या ज़्यादा इफेक्टिव है, ग्रीन टी ज़्यादा इफेक्टिव है कि ग्रीन कॉफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, आपको क्या ऐसा लेना चाहिए और कौन सी यूज़ करना चाहिए। मैं सारी बातों का आज जवाब देने आई हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन ऑलरेडी हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि वो किस तरह से क्या लें। एक चीज़ मैं ऑलरेडी आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि सिर्फ ग्रीन कॉफ़ी या ग्रीन टी से वज़न कम नहीं हो सकता है, आपको उसके साथ डाइट या फिर एक्सरसाइज करना भी जरूरी है, क्योंकि प्रॉपर इसके सहारे आप वेट लॉस नहीं कर सकते हैं। ये वेट लॉस करने में हेल्प तो जरूर करेगा, लेकिन आप सोचें कि आप सिर्फ बैठे रहें और खाते रहें और ये आपका वेट लॉस कर लें, तो ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ग्रीन टी की। तो ग्रीन टी किस तरह से आपकी बॉडी को फैट कम करता है? फ्रेंड्स, ग्रीन टी में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये कैंसर रोगों के लिए काफ़ी इफेक्टिव है और इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन B5, B7, B6 होता है, जिसकी वजह से जब ये आपकी, क्योंकि हमारी बॉडी ऑलरेडी थोड़ी सी हीट करती है और जब हम कॉफ़ी पीते हैं तो ये और हीट करने लगती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की कैलोरीज बर्न होती है और उसे दूसरे शब्दों में कहें तो ये हमारा वजन भी घटाती है। तो इस तरह से ये हमारी बॉडी पे काम करती है। और ग्रीन कॉफ़ी किस तरह से काम करती है? ग्रीन कॉफ़ी में जो क्लोरोजेनिक एसिड होता है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे जब शरीर में क्या है कि कैलोरीज काफ़ी तेज़ी से बर्न होती हैं, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है और कैलोरीज ज़्यादा तेज़ी से बर्न होती हैं, तो इसकी वजह से इस तरह से फैट बर्न होता है। तो आप ये बोलें कि सिर्फ इन दोनों चीज़ों से आप फैट बर्न कर सकें, तो ऐसा नहीं है, ये आपकी बॉडी को हेल्प जरूर करते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन आपको वेट आपको ही लॉस करना है, ऐसा नहीं है कि ये आपका वेट लॉस करेंगे। तो इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस समझ लीजिए कि क्या आप ग्रीन कॉफ़ी लें कि ग्रीन टी लें। जैसे कुछ लोग ऑलरेडी ग्रीन टी यूज़ करते हैं या ग्रीन टी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि 3 कप से ज़्यादा आपको ग्रीन टी नहीं लेनी है, क्योंकि किसी भी चीज़ की, ऐसा नहीं है कि ग्रीन टी में कैफीन नहीं होती है, होती है, ऑफकोर्स होती है, थोड़ी क्वांटिटी में है, उतनी क्वांटिटी में नहीं है जितनी नॉर्मल टी में होती है, लेकिन कहीं ना कहीं कैफीन होती है, इसलिए 3 कप से ज़्यादा आपको नहीं लेना है। सेम यही चीज़ ग्रीन कॉफ़ी में भी लागू होती है कि आपको 3 कप से ज़्यादा इसे नहीं लेना है। प्रेग्नेंट लेडी नहीं ले सकते हैं, बीपी पेशेंट नहीं ले सकते हैं। एक चीज़ बहुत अच्छी है इन दोनों के साथ कि कैंसर रोगियों में ये काफ़ी फ़ायदा नहीं करती है, ये आपको कैंसर रोग होने से बचाती है, इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं। तो अब मैं आप बात करूंगी कि दोनों में क्या अच्छा है। अगर मैं रिजल्ट की बात करूं, जैसे मेरे आसपास लोग भी हैं या मैं खुद दोनों चीज़ें ट्राई कर चुकी हूं, या बहुत सारे लोगों के मेरे पास मेल या क्वेश्चंस आते हैं, आंसर आते हैं कि उन्हें क्या फ़ायदा क्या है, तो अकॉर्डिंग टू माई जो मैंने देखा है, माई एक्सपीरियंस, कि ग्रीन कॉफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है वेट लॉस करने में। और अगर आप बोले कि ग्रीन टी भी, ऐसा नहीं है कि ग्रीन टी इफेक्टिव नहीं है, ग्रीन टी भी बहुत इफेक्टिव है, लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में ग्रीन कॉफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। और अगर आप प्रॉपर जानकारी पाना चाहते हैं तो अभी आपको लास्ट में इस वीडियो के दोनों वीडियो शो हो जाएंगे कि ग्रीन टी कैसे लेना है, ग्रीन कॉफ़ी कैसे लेना है। और साइड इफ़ेक्ट्स की बात करूँ तो ग्रीन टी के तो उतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, कहीं ना कहीं ग्रीन कॉफ़ी के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, यानी ये आपकी बॉडी में बेचैनी देती है, अगर आपने इसे पिया है रात में तो ये आपको 2 से 3 घंटे बाद ही नींद आएगी ग्रीन कॉफ़ी के, ये ऑलरेडी मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। तो ग्रीन कॉफ़ी अगर आप अपना जो लंच डिनर 7-7:30 बजे फिनिश कर रहे हैं तो इसके बाद आपको लगभग 2-3 घंटे नींद नहीं आएगी, तो हो सके तो आपको अपनी नींद लेने से पहले इसे ले लीजिए, ताकि आप थोड़ा सा सही फील करें और आप जाके अपनी प्रॉपर नींद ले सके, तो ये कहीं ना कहीं आपको बेचैनी देती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, और जो जानकारी चाहते हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियो है, वहाँ पर जाके देख सकते हैं कि आपको क्या लेना है। अब मैं बात करती हूँ कि आपको बीन्स लेना है, ग्रीन कॉफ़ी बीन्स लेना है कि पाउडर लेना है। ऑलरेडी मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है कि ग्रीन कॉफ़ी ज़्यादा ओरिजिनल फॉर्म में है, क्योंकि पाउडर कहीं ना कहीं, ये मेरा अपना सोचना है,
मैं किसी की बात नहीं कर रही हूँ, मेरा अपना सोचना है कि पाउडर में कहीं ना कहीं मिलावट हो सकती है, लेकिन बीन्स में जब आपको कोई चीज़ साबुत मिलती है तो उसमें मिलावट नहीं हो सकती। बस आपको उसे मंगवाना है और अपने मिक्सर में पीस के जस्ट रख लेना है, कुछ भी नहीं करना है। तो हो सके तो बीन्स का ही इस्तेमाल करिए। आई होप गाइस अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।